इज हाव यू ऑल आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट वेलकम बैक टू माई नदर वीडियो इफ़ यू कमिंग टू माई चैनल फॉर दी फर्स्ट टाइम द लेट मी क्विकली ब्रीफ माई सेल्फ मेरा नाम अमृता है और मैं वीडियोज़ बनाती हूँ बेबी केयर टिप्स पे प्रोडक्ट्स पे मेरे पर्सनल वीलॉग्स पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों के लिए सही पार्टअप कौन सा है उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि एज अ पेरेंट्स हम अपनी बेबी के लिए कभी भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे मन में आती है वो है सेफ्टी सेफ़्टी ऑलवेज़ कम फर्स्ट उसके बाद हम बाकी सारे पैरामीटर्स को चेक करते हैं जैसे कि ब्रांड हो गया कलर हो गया साइज़ हो गया वगैरह वगैरह एग्जैक्ट्रा बट देन यस सेफ्टी तो नंबर वन है और सेफ़्टी के साथ तो कोई भी पेरेंट्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं कर सकते और हमने भी नहीं किया वेल well, अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो मैं बता दूँ कि मेरा एक बेटा है आयास जो कि अब सेवन मंथ्स का हो गया है एंड टिल सिक्स मंथ तक हम जो कि उसके लिए बाट बैटअप यूज़ करते थे वो एक प्लास्ट प्लास्टिक का था विद इन सिक्स मंथ्स के बाद जब वो बैठने लगा तो हम लोग इतने कंफर्टेबल नहीं थे प्लास्टिक के पार्टअप में तो हमने अपना जो पार्टअप है वो स्विच कर लिया तो आज बेसिकली मैं आपको इसी प्रोडक्ट का जो है वो कम्प्लीट रिव्यू दूंगी बट तो उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड सब्सक्राइब के साथ साथ एक बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे फ्यूचर वीडियोस आप बिल्कुल मिस ना करें तो आइए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं सो so, दोस्तों ये है वो बाटअप जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी चोचो कंपनी का बेबी बाटअप वेल well, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चों के लिए बाटअप की ज़रूरत तो हमेशा अच्छा से अभी इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि बेस्ट पार्ट इस प्रोडक्ट का ये है कि आप इससे इस बच्चों को चोट नहीं लग सकती प्लास्टिक का नहीं है या किसी और मटेरियल का नहीं है तो आप 110% परसेंट आप श्योर हो सकते हो बेबी को बात कराने के टाइम पे कि आपका बेबी एब्सोल्युटली सेफ़ है जैसे कि मैंने आपको बताया सेफ्टी ऑलवेज कम फर्स्ट तो इस मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ कि इस बात टप के साथ साथ कौन कौन से और अदर आइटम्स हैं जो कि मुझे रिसीव हुए हैं तो सबसे पहला दोस्तों ये है पम्प अ जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो बाटअप है इसमें हवा भर के हमने फुलाया है क्योंकि एक इन्फ्लेटेबल बाटअप है तो यहाँ पे एक पंप है पंप को यूज करके आप इस बाटअप को जो है वो फुला सकते हो बट यहाँ पे भी दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो बाटप है वो डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड है मतलब कि अगर आप ये सेक्शन लेंगे तो इसको आपको अलग से पम्प करना पड़ेगा और यहाँ का जो सेक्शन है उसको आपको अलग से पम्प करना पड़ेगा एंड बाटअप का जो नीचे का सेक्शन है आपको उसको अलग से पम्प करना पड़ेगा वेल हमारा जो पम्पिंग एक्सपीरियंस रहा इस बाटअप का सो so फार वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि स्टार्टिंग में टाइम लगता है पम्प करने में फ़ॉर श्योर मतलब हमें अराउंड टेन टू फिफ्टीन मिनट्स लग गए थे इसको पम्प करने के लिए बट यस एक बार हमने पम्प करके रख दिया तो आज तक हमें वापस से इसको पंप करने की जरूरत नहीं पड़ी दूसरा जो आइटम हमें इस बाटअप के साथ रिसीव हुआ वो है एक पाइप अगेन ये भी पंप का ही डिवाइस है जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ तीसरा जो आइटम हमें इस बाटअप में रिसीव हुआ वो है थ्री बॉल्स बच्चों के खेलने के लिए ये मुझे बेस्ट पार्ट लगा क्योंकि जब हम आयांश को इसमें शार बात कराते हैं तो जनरली आयांश इस बॉल से बहुत अच्छी तरीके से खेलता है एल इसकी क्वालिटी भी मुझे बहुत अमेजिंग लगी बॉल के साथ साथ उन्होंने एक कॉम्प्लीमेंट्री uh, टावल भी भेजा है मैं इसका टेक्स्चर आपको दिखा देती हूँ तो कुछ इस तरीके का टाल है जो कि बाटअप के साथ हमें रिसीव हुआ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो प्रोडक्ट है हमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट साइज में रिसीव हुआ था जब हमने अमेजोन से ऑर्डर किया मतलब इतने छोटे से डब्बे के अंदर ये सारी ही चीज़ें उन्होंने फिट करके दी हुई थी विच वॉज़ अमेजिंग अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं बच्चों के साथ एंड अगर आप अपना बेबी का बाटअप कैरी करना चाहते हैं तो कितना आसान है आपको बस डब्बे में डालना है आई मीन इसकी हवा को निकालना है डब्बे में डालना है और लेकर के ट्रैवल करते हैं है तो ये भी एक रीजन है कि मुझे ये बाटप जो है वो बहुत पसंद आया सो so, आइए आप इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बात करते हैं सो so, दोस्तों ये जो बैटअप है सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँगी टू डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है इस प्रोडक्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एक तो ब्लू कलर में अवेलेबल है जैसा कि आप देख सकते हैं और एक है पिंक कलर में एंड इसका जो साइज़ है वो है नाइन्टी सेंटीमीटर एंड यहाँ पर आपको मिलेगा सिक्सटी सेंटीमीटर एंड हाइट में आपको ट्वेंटी सेंटीमीटर का हाइट मिलता है एंड इसके अलावा दोस्तों ये जो मटेरियल है वो एब्सोल्युटली बीपीए फ्री है वैसे बच्चों के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बीपीए फ्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बीपीए फ्री मतलब प्रोडक्ट में कोई केमिकल इन्वॉल्व नहीं है और अगर कोई केमिकल नहीं है तो आपके बच्चों के लिए एकदम सेफ़ है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है मतलब बच्चों को कोई किसी तरीके का हार्म होने का कोई भी चांसेस इस प्रोडक्ट में बिल्कुल नहीं है प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के साथ आता है मैं जनरली अपनी वीडियोस में प्राइस नहीं बताती क्योंकि प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है बट अगर आपको ये बाटअप खरीदना हो तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहाँ से प्राइस चेक कर सकते हैं अंदर की मैं अगर बात करूं तो आ, मैं आपको दिखा देती हूं यहाँ पे जो है वो आपका बेबी जो है वो बैठ सकता है एंड इन नीचे जो उन्होंने डिज़ाइंस दी हुई हैं इनफैक्ट पूरे ओवरऑल बाटअप में जो उन्होंने डिज़ाइंस दी हुई हैं वो एक नॉन स्लिपरी डिज़ाइन है इसका मतलब आप देख सकते हैं कि जो बम करके उन्होंने जो डिज़ाइन दी हुई नीचे भी जो बम करके उन्होंने जो डिज़ाइन दी हुई हैं इस डिज़ाइन के वजह से जनरली बेबी स्लिप नहीं होते अगेन सेफ्टी वाइज ये बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि कंपनी ने प्रोवाइड किया है अगर आपका बेबी बैठने लगा है तो आप ये बाटटअप डेफ़िनेटली खरीद सकते हैं बट अगर आप न्यू बॉर्न बच्चों के लिए अभी बाटटअप ख़रीदना चाहते हैं तो मैं आपको ये बाटअप रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि फिर इसमें आपको बेबी को बात कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा तब आप कोई ऐसा बाटटअप ढूंढ सकते हैं जिसमें बेदर भी हो और बेदर को यूज़ करके आप जो है वो अपनी बेबी को बात करा सकते हैं बट आयांश अभी बैठने लगा है तो जनरली जब मैं उसको बात टाइम देती हूँ तो वो यहाँ पर बैठ जाता है और ये जो एरिया है अगेन ये आपका चॉइस है अगर आप इसको फुलाना चाहें तो आप इसको ब्लो कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं बट अगर आप इस अटैचमेंट को यूज़ ना करना चाहें तो आप यूज़ ना करें बट जनरली अभी तो हम यूज़ करते हैं क्योंकि वो हमें ज़्यादा कम्फर्टेबल लगता है जब आयांश बात लेता है पहले इस प्रोडक्ट की अगर वेट की बात करें तो वेट तो इसका बिल्कुल नहीं है एकदम हल्का आप चाहें तो एक फिंगर से आप इसको यूज़ कर सकते हो यहाँ पे इन्होंने एक ड्रेनेज भी दी है वाटर ड्रेन आउट होने के लिए और मैं बता दूँ क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रही हूँ तो आई नो ड्रेनेज इसका बहुत ही ज़्यादा अफेक्टिव है मतलब जब आप ओपन कर देते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से जो है वो ड्रेन आउट और बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाता है पानी

तो ये था कोको कंपनी के बाटप के बारे में वेल आई रियली होप कि आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया अपना फीडबैक मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूं अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदना हो तो इस प्रोडक्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहां से खरीद सकते हैं दोस्तों चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेलाइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे फ्यूचर अपडेट्स आप बिल्कुल मिस ना करें तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करती हूँ और मैं अब तक आपको मिलती हूँ अपने अगली वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन एंड टिप्स के साथ तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी renting and bye bye